हेलो दोस्तों, मैं विमल इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो का टॉपिक है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्लोज सिस्टम के लिए कैसे काम करता है। तो अगर ओपन सिस्टम है तो फर्स्ट लॉ की जगह पर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कैसे डेवलप होता है और वो कैसे काम करता है, उसके बारे में हम ये वीडियो में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। हेलो दोस्तों, मैं विमल टेक्नो एरिया वी चैनल में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर इस चैनल के वीडियो से आप कुछ सीख रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पे जाने से पहले ये जो तीन टर्म है वो हम समझ लेते हैं, क्योंकि स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को समझने के लिए तीन टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्लो प्रोसेस, कंट्रोल सरफेस एंड कंट्रोल वॉल्यूम, फ्लो वर्क और द फ्लो एनर्जी। तो पहला जो है फ्लो प्रोसेस, तो जब भी ओपन सिस्टम में कोई भी फ्लूइड सिस्टम की सरफेस को क्रॉस करके इन हो रहा है, सिस्टम की सरफेस को क्रॉस करके आउट हो रहा है, तो उस प्रोसेस को फ्लो प्रोसेस कहा जाता है। यानी कि अ प्रोसेस कंस्टिट्यूट्स एन ओपन सिस्टम थ्रू विच द वर्किंग फ्लूइड एंटर्स एंड लीव द सरफेस ऑफ अ सिस्टम दैट इज नोन एज द फ्लो प्रोसेस। तो ये एक सिस्टम है, ये सिस्टम में फ्लूइड यहाँ से एंटर हो रहा है और फ्लूइड यहाँ से आउट हो रहा है। ठीक है, और ये जब फ्लूइड जब इन और आउट हो रहा है तो उसके दौरान ये सिस्टम में से एनर्जी का भी इंटरेक्शन होता है, जैसे कि हीट का इंटरेक्शन होता है, वर्क का इंटरेक्शन होता है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भी ये सिस्टम की चेंज होती है। तो ये जो प्रोसेस हो रही है सिस्टम में, ठीक है, तो उसको फ्लो प्रोसेस कहा जाता है, कि जिसमें एनर्जी का भी इंटरेक्शन हो रहा है और फ्लूइड यानी कि मास का भी सिस्टम में इन और आउट हो रहा है। ये जो टर्म है कंट्रोल सरफेस एंड कंट्रोल वॉल्यूम, ये टर्म को समझने के लिए हमारा पिछला जो वीडियो था जिसका टाइटल था थर्मोडायनेमिक सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री एंड कंट्रोल वॉल्यूम, वो वीडियो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो ये वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। आगे हम देखते हैं फ्लो वर्क क्या होता है, तो उसको फ्लो एनर्जी भी कहा जाता है। ठीक है, तो जब भी किसी चैनल में से, जब भी किसी सेक्शन में से फ्लूइड फ्लो होता है तो वो फ्लूइड में प्रेशर की कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, तो वो प्रेशर की वजह से जो वर्क डेवलप होता है उसी वर्क को फ्लो वर्क कहा जाता है। ठीक है, तो फ्लो वर्क रिफर टू द वर्क विच अ फ्लूइड डज व्हेन इट इज मूव्स इन और आउट फ्रॉम एनी पैसेज। तो ये प्रेशर की जो वैल्यू है वही प्रेशर की वजह से फ्लूइड किसी भी पैसेज में से इन और आउट हो सकता है। ठीक है, तो वो प्रेशर की वजह से जो वर्क डेवलप होता है उसको फ्लो वर्क कहा जाता है। इसको समझने के लिए हम ये फिगर देखते हैं, फिगर नंबर टू। तो यहाँ पे ये चैनल का जो इतना सेक्शन है उसको अगर ये कंट्रोल वॉल्यूम हम एज्यूम करते हैं, और ये कंट्रोल वॉल्यूम जो है वो कंट्रोल वॉल्यूम की ये कंट्रोल सरफेस है। ठीक है, तो ये कंट्रोल वॉल्यूम पे अगर पी जितना प्रेशर लगाया जाए, ठीक है, तो पी जितने प्रेशर से जो वर्क डेवलप होता है उसको हम फ्लो वर्क कहते हैं। तो यहाँ पे ये कंट्रोल वॉल्यूम का जो इतना एरिया है, ठीक है, तो वो एरिया पे पी जितना प्रेशर ये कंट्रोल एरिया के वॉल्यूम में लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क जो डेवलप होगा दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस मूव, ये हमें पता है। तो इस पे जो फोर्स जो लगेगा तो दैट फोर्स इज इक्वल टू पी इंटू ए, ये जो फ्लूइड पे प्रेशर लगा है पी इंटू ये जो कंट्रोल वॉल्यूम का जो एरिया है दैट इज इंटू ए। ठीक है, और डिस्टेंस मूव एल, मतलब कि ये पी प्रेशर लगने से इतना जो वॉल्यूम है वो एल जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ठीक है, तो ये जो वर्क डन वो हो गया वो ए इंटू एल, मतलब कि वॉल्यूम कि जितना वॉल्यूम एल जितना डिस्प्लेस होगा पी प्रेशर की वजह से। ठीक है, तो ये फ्लो वर्क पर यूनिट मास हो गया पी इंटू वी, तो ये हो गया फ्लो वर्क जिसकी हम लिख सकते हैं पी इंटू वी। ओके, तो ये जो फ्लो वर्क की जो वैल्यू है उतनी वैल्यू हमको फ्लूइड को किसी भी चैनल में से फ्लो करने के लिए एक्सटर्नल सोर्सेस या फिर किसी एक्सटर्नल मशीन या फिर पंप से वो फ्लो वर्क जितनी एनर्जी फ्लूइड में सप्लाई करनी पड़ेगी तभी वो फ्लूइड वहां से फ्लो होगा, तो उसको कहा जाता है फ्लो वर्क या फिर उसको कह सकते हैं फ्लो एनर्जी। तो अब हम देखते हैं जनरल एनर्जी इक्वेशन। तो पिछले वीडियो में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के वीडियो में जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जो इक्वेशन डिराइव किए हुए थे वो इक्वेशन भी जनरल एनर्जी इक्वेशन के ही स्पेसिफिक फॉर्म थे। ठीक है, तो ये जो जनरल एनर्जी इक्वेशन है वो कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ओपन सिस्टम या क्लोज सिस्टम के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं, और कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए ये जनरल एनर्जी इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जनरल एनर्जी इक्वेशन को डेवलप करने के लिए हम ये एक ओपन सिस्टम कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये जो ओपन सिस्टम है तो यहाँ से फ्लूइड इन होता है और यहाँ से फ्लूइड आउट होता है, और ये जो ओपन सिस्टम है जहाँ से फ्लूइड इन होता है उसको हम सेक्शन 1-1 बोलते हैं, और जहाँ से फ्लूइड आउट होता है वहां उसको हम सेक्शन 2-2 बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा ओपन सिस्टम। तो ये ओपन सिस्टम में एनर्जी भी इंटरेक्शन होती है और मास भी इंटरेक्शन होता है। ठीक है,
तो ये ओपन सिस्टम है जहां से फ्लूड इनलेट होता है, तो जब फ्लूड इनलेट होता है तो उसकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है वो इंटरनल एनर्जी U1, जिसका यूनिट है जूल पर केजी, उसका मास फ्लो रेट होता है M1, उसका यूनिट है किलोग्राम पर सेकंड, वो जो फ्लूड होता है उसकी प्रेशर जो होता है वो प्रेशर होता है P1, जिसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है V1, ठीक है, उसका यूनिट होता है मीटर क्यूब पर केजी, और ये C1, C1 यानी कि जो फ्लूड की इनलेट वेलोसिटी है वो होता है C1, जिसका यूनिट है मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी के साथ फ्लूइड ओपन सिस्टम में इनलेट होता है, और जब फ्लूइड ये ओपन सिस्टम में से आउट होता है, तो यहाँ से जब फ्लूइड ओपन सिस्टम में से आउट होता है उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, और उसकी प्रॉपर्टी बन जाती है U2, और इंटरनल एनर्जी U2, मास फ्लो रेट M2, प्रेशर P2, स्पेसिफिक वॉल्यूम V2, और उसकी वेलोसिटी C2, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड इन और आउट होता है उसमें से, तो ओपन सिस्टम होने की वजह से यहाँ पे एनर्जी का भी इंटरेक्शन होता है। तो जब फ्लूइड इसमें से इन और आउट होता है तो सिस्टम में Q1 जितनी हीट सप्लाई होती है, जिसका यूनिट है जूल पर केजी, और Q1 जितनी हीट सप्लाई होने से ये सिस्टम W जितना वर्क डेवलप करती है, मतलब W जूल जितना वर्क ये सिस्टम डेवलप करती है, ठीक है। तो ये ओपन सिस्टम के लिए अगर फोर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई किया जाए, तो फोर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये कहा जाता है कि सिस्टम में जितनी एनर्जी एंटर हो रही है उतनी ही एनर्जी सिस्टम में से बाहर जा रही है, मतलब कि टोटल एनर्जी एंटरिंग इनटू द सिस्टम इज इक्वल टू टोटल एनर्जी गोइंग आउट फ्रॉम द सिस्टम, ये हम फोर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कह सकते हैं, ठीक है। तो टोटल एनर्जी जो सिस्टम में एंटर हो रही है वो ये सब एनर्जी का समेशन है, ठीक है, और टोटल एनर्जी जो सिस्टम से बाहर जा रही है वो ये सब एनर्जी का समेशन है। तो जो भी एनर्जी सिस्टम में एंटर हो रही है दैट इज इक्वल टू फ्लो वर्क एट सेक्शन 1-1, ठीक है। तो सेक्शन 1-1 से फ्लूइड अंदर एंटर हो रहा है, तो फ्लूइड जब अंदर एंटर हो रहा है तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो पहला होता है फ्लो वर्क, दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। दूसरा होता है स्टोर्ड एनर्जी, तो फ्लूइड की जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो फ्लूइड की इंटरनल एनर्जी, फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी और फ्लूइड की पोटेंशियल एनर्जी का समेशन होती है स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है। तो ये स्टोर्ड एनर्जी की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो इंटरनल एनर्जी फ्लूइड का टेम्परेचर की वजह से होती है, और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो ये जो इनलेट की और रेफरेंस के रिस्पेक्टिव ये Z1 जो हाइट है उसकी वजह से फ्लूइड में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, और काइनेटिक एनर्जी फ्लूइड की जो वेलोसिटी है C1 जितनी वेलोसिटी उसकी वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी स्टोर होती है, और इंटरनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो समेशन होता है उसको स्टोर्ड एनर्जी कहा जाता है, ठीक है। तो इतनी स्टोर्ड एनर्जी सिस्टम में एंटर हो रही है। दूसरा है हीट एंटरिंग इनटू द सिस्टम, ठीक है, एनर्जी हीट के फॉर्म में सिस्टम में एंटर हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया जो एनर्जी सिस्टम में एंटर हो रही है वो, और जो एनर्जी सिस्टम में से बाहर निकल रही है वो इसका समेशन है। तो फ्लो वर्क एट सेक्शन 2-2, 2-2 में से फ्लूइड बाहर निकल रहा है, तो फ्लो वर्क एट सेक्शन 2-2, स्टोर्ड एनर्जी एट सेक्शन 2-2, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क डेवलप कर रहा है। क्यों डेवलप कर रहा है? क्योंकि क्यू जितनी हीट अंदर सप्लाई हो रही है, ठीक है। तो ये जो है वो वर्क डन बाय द सिस्टम, इतनी एनर्जी सिस्टम डेवलप कर रहा है, ठीक है। और ये सिस्टम में ऑलरेडी जो उसकी इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी जो थी वो स्टोर्ड एनर्जी में भी कुछ चेंजेस हो गए, क्योंकि यहाँ से एनर्जी का इंटरेक्शन होता है और मास का भी इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो सिस्टम की जो स्टोर्ड एनर्जी जो थी वो इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी थी उसमें भी कुछ चेंजेस हो गए, तो यहाँ पे प्लस चेंज इन द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ज्यादा एनर्जी एंटर हो रही है और यहाँ से कम एनर्जी अगर बाहर निकल रही है, ठीक है, तो उतनी एनर्जी सिस्टम में स्टोर्ड होकर रहती है, मतलब कि सिस्टम की स्टोर्ड एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये समेशन चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। और अगर इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखे तो हम इसको लिख सकते हैं कि फ्लो वर्क के लिए M1 P1 V1, और ये जो स्टोर्ड एनर्जी है वो स्टोर्ड एनर्जी इज द समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस दैट इज इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी C1 स्क्वायर बाय 2, एंड दैट इज इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी Z1g, ठीक है। तो ये M1, क्योंकि ये पर यूनिट एनर्जी है, ठीक है, पर यूनिट मास है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको M1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस Q एंटरिंग इनटू द सिस्टम इज इक्वल टू फ्लो वर्क एट सेक्शन 2-2 प्लस स्टोर्ड एनर्जी एट सेक्शन 2-2 प्लस वर्क डेवलप बाय द सिस्टम, और ये डेल्टा ई मतलब कि चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वो बढ़ भी सकती है या फिर कम भी हो सकती है, दैट इज चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी, ओके। तो अब हमें पता है कि एंथैल्पी इज इक्वल टू यू प्लस पीवी, तो एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस द फ्लो वर्क। तो यहाँ पे जो फ्लो वर्क और इंटरनल एनर्जी का ये जो है उसको अगर हम
ये दो टर्म की जगह पे अगर हम एंथाल्पी लिखते हैं तो ये इक्वेशन कन्वर्ट होके ये बन जाएगा m इंटू एच वन सी वन स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड वन प्लस क्यू इज इक्वल टू एम टू एच टू सी टू स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड टू प्लस डब्ल्यू इंटू डेल्टा ई। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन है जनरल एनर्जी इक्वेशन। ये जनरल एनर्जी इक्वेशन आप स्टेडी फ्लो प्रोसेस के लिए या फिर अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस दोनों के लिए जनरल एनर्जी इक्वेशन अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, और अगर हम ये इक्वेशन है ये जो एनर्जी के जो टर्म है ये एनर्जी का टर्म है ये राइट साइड पे करके अगर हम ये एनर्जी का एल्जेबेरिक सम कर दे, ठीक है, और ये साइड पे लेफ्ट साइड पे अगर हम सिर्फ डेल्टा ई लिखे तो इससे हम ये कह सकते हैं ये इक्वेशन से कि एल्जेबेरिक सम ऑफ ऑल एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री इज इक्वल टू चेंज इन सिस्टम स्टोर्ड एनर्जी। मतलब कि जो एनर्जी सिस्टम में एंटर हो रही है और जो एनर्जी सिस्टम में से बाहर जा रही है वो सभी एनर्जी का एल्जेबेरिक सम करे तो उसमें जो चेंजेस होगा दैट इज इक्वल टू चेंज इन सिस्टम स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, अब हम जाएंगे स्टेडी फ्लो एनर्जी के इक्वेशन की तरफ, लेकिन पहले हम देखते हैं स्टेडी फ्लो क्या होता है। ठीक है, तो कोई भी चैनल में जब फ्लूइड फ्लो होता है तो चैनल के पर्टिकुलर सेक्शन पे हर एक टाइम पे अगर फ्लूइड की प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहती है तो वो फ्लो को स्टेडी फ्लो कहा जाता है। मतलब कि ये कोई एक चैनल है जिसमें यहाँ से फ्लूइड इनलेट हो रहा है और यहाँ से आउटलेट हो रहा है, तो ये जो फ्लूइड ये जो चैनल के जो सेक्शन है सेक्शन वन सेक्शन टू और सेक्शन थ्री, तो सेक्शन वन पे प्रेशर है 10 बार और टेम्परेचर है 13 बार, प्रेशर टू और सेक्शन टू पे प्रेशर है 9 बार और टेम्परेचर है 28, सेक्शन थ्री पे प्रेशर है 8 और टेम्परेचर है 26। तो आप कोई भी टाइम पे देख लो, ठीक है, तो कोई भी टाइम पे ये जो सेक्शन वन है वहां पे फ्लूइड की प्रॉपर्टी यही रहेगी, सेक्शन टू पे भी फ्लूइड की प्रॉपर्टी हमेशा यही रहेगी और सेक्शन थ्री पे फ्लूइड की प्रॉपर्टी भी हमेशा यही रहेगी। मतलब कि हर एक टाइम पे फ्लूइड के पर्टिकुलर सेक्शन पे जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी जो है जब फ्लूइड फ्लो होता है तो वो हमेशा फ्लूइड की प्रॉपर्टी पर्टिकुलर सेक्शन पे हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहती है, तो वो फ्लूइड के फ्लो को स्टेडी फ्लो कहा जाता है। ठीक है, और थर्मोडाइनेमिक्स है जो ओपन सिस्टम जो होती है वो ओपन सिस्टम में मोस्टली स्टेडी फ्लो ही कंसिडर किया जाता है। तो फाइनली अब हम देखते हैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो अभी हमने ये डायग्राम से ये जनरल एनर्जी इक्वेशन डिराइव किया है। ठीक है, और अगर ये ओपन सिस्टम में अगर स्टेडी फ्लो हो रहा है तो अगर उसमें जनरल एनर्जी इक्वेशन अप्लाई किया जाए तो वो जनरल एनर्जी इक्वेशन से जो इक्वेशन डिराइव होता है वो इक्वेशन को स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कहा जाता है। मतलब कि ये ओपन सिस्टम में जब स्टेडी फ्लो होता है तो स्टेडी फ्लो होने की वजह से ये ओपन सिस्टम में स्टेडी फ्लो होने की वजह से सिस्टम की जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसमें जो चेंज होता है वो चेंज जीरो होता है क्योंकि फ्लो स्टेडी हो रहा है। ठीक है, और स्टेडी फ्लो होने की वजह से इनलेट मास फ्लो रेट और आउटलेट मास फ्लो रेट दोनों सेम होते हैं, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं एम वन इज इक्वल टू एम टू, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं एम। तो ये जो जनरल एनर्जी इक्वेशन है उसमें चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी जीरो बन जाएगा और एम वन इज और एम टू वो एम बन जाएगा। तो ये जो जनरल एनर्जी इक्वेशन की उसको हम ये लिख सकते हैं एम वन इंटू एच वन प्लस सी वन स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड वन प्लस क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एच टू प्लस सी टू स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड टू प्लस डब्ल्यू। तो ये हो गया हमारा स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि जिसमें स्टेडी फ्लो होने की वजह से चेंज इन इंटर चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी जीरो बन रहा है और मास फ्लो रेट की वैल्यू एम आ रही है। तो ये जो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है उसमें सभी एनर्जी का इक्वेशन जूल या फिर जूल पर केजी है, मतलब कि एंथैल्पी का यूनिट है जूल पर केजी, ये काइनेटिक एनर्जी का यूनिट पर है जूल पर केजी, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट भी है जूल पर केजी और हीट ट्रांसफर का यूनिट है जूल, इसी तरह से वर्क का यूनिट है जूल। तो अगर ये जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, किलो जूल पर केजी या फिर किलो जूल में ये का यूनिट का कन्वर्ट करना है तो उसको हम ये फॉर्म में लिख सकते हैं एंथैल्पी इंटू सी वन स्क्वायर बाई टू इंटू 10^3। तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है यूनिट का वो जूल में से किलो जूल में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टोर्ड एनर्जी का यूनिट बन जाएगा किलो जूल पर केजी और ये हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर का यूनिट बन जाएगा किलो जूल। ठीक है, तो अगर उसको किलो जूल के फॉर्म में रखना है तो ये स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ये फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये स्टेडी फ्लो एनर्जी आप ये स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन किसी भी ओपन सिस्टम में अगर स्टेडी फ्लो हो रहा है तो ये स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन यूज किया जा सकता है, लेकिन इसमें ये कंडीशन है कि उसका जो इनलेट मास फ्लो रेट और आउटलेट मास फ्लो रेट जो है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहना चाहिए और दोनों इक्वल होना चाहिए और इसमें जो हीट ट्रांसफर रेट है और वर्क ट्रांसफर रेट है वो भी हमेशा कांस्टेंट होने चाहिए, और फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज है मतलब कि उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है वो भी हमेशा कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए। तो उसी कंडीशन के लिए हम ये स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ओपन सिस्टम के लिए यूज कर सकते हैं।
तो ये हो गया स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। और अगर ये जनरल एनर्जी इक्वेशन को क्लोज सिस्टम के लिए अप्लाई किया जाए, तो अगर क्लोज सिस्टम एंड साइक्लिक प्रोसेस हो रही है, तो जब साइक्लिक प्रोसेस क्लोज सिस्टम में होती है, तो उसमें चेंज इन एनर्जी जो होता है वो चेंज इन एनर्जी जीरो बन जाता है। मतलब कि ये जो वैल्यू है वो ये जो वैल्यू सब रिजेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे रहेगा सिर्फ क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो ये जनरल एनर्जी इक्वेशन क्लोज सिस्टम साइक्लिक प्रोसेस के लिए बन जाएगा, समेशन ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू समेशन ऑफ वर्क ट्रांसफर। और अगर क्लोज सिस्टम में नॉन साइक्लिक प्रोसेस हो रही है, तो नॉन साइक्लिक प्रोसेस में जो सिस्टम की जो स्टोर्ड एनर्जी, वो स्टोर्ड एनर्जी में जो चेंज होता है, तो वो चेंज सिर्फ उसकी इंटरनल एनर्जी में होता है। ठीक है, तो इसके लिए ये जो इक्वेशन में ये जो सब टर्म रिजेक्ट हो जाएगी, और ये इक्वेशन बन जाएगा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। तो ये हो गया जनरल एनर्जी इक्वेशन फॉर द क्लोज सिस्टम। ठीक है, और दोस्तों अगर ये स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जो हमने ओपन सिस्टम के लिए अभी डिराइव किया, अगर ये स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अलग अलग इंजीनियरिंग सिस्टम जैसे कि बॉयलर, टर्बाइन, कॉम्प्रेशर, नोजल, हीट एक्सचेंजर, अगर वो सब इंजीनियरिंग सिस्टम के लिए अगर ये स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई किया जाए, तो ये स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन वो सब इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए कैसे काम करता है, और उससे जो इक्वेशन डेवलप होते हैं उसको समझने के लिए हमारा दूसरा जो वीडियो है जिसका टाइटल है एप्लीकेशन ऑफ स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर वेरियस इंजीनियरिंग सिस्टम, वो वीडियो भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद रखता हूँ कि ये वीडियो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे अगले आने वाले टेक्निकल वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।